गायत्री रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैंगो फ्रूटी बनाने वाले हैं। उसके लिए आइए देख लेते हैं क्या क्या सामान की जरूरत है। दो ठो इस तरह से आम लेंगे, ये माने कि पूरी तरह नहीं पका है, थोड़े से खट्टा आम है ये। और उसके लिए एक कटोरी चीनी लेंगे और थोड़ा से सेंधा नमक लेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आम को काट के छील लेंगे। इस तरह से इसको काट के इस तरह से इसको छील लेंगे। इस तरह से दोनों आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसको कुकर में थोड़ा से पानी डाल के उबालेंगे। दो सीटी तक इसको उबालना पड़ेगा। अब इसको दो सीटी लगा देते हैं, फिर उसके बाद खोल के देखेंगे। अब ये दो सीटी हो गया है, कुकर ठंडा भी हो गया है। अब देख लेते हैं इसको क्या स्थिति है इसका। देखो, कुकर का सीटी भी ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से बढ़िया है, पक गया है, बढ़िया से पक गया है। अब इसको हम पीस लेंगे, लेकिन इसको पीसने से पहले गैस में पानी चढ़ा दिए हैं थोड़ा से, और उसमें ये चीनी को डाल देते हैं घोलने के लिए। इसको कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस इसको घोलना है। इसको निकाल के मिक्सी के जार में एकदम चिकना इसको पीस लेते हैं। फिर पीसने के बाद इसको फिर छान लेंगे। अब इसको मिक्सी में चिकना करके पीस लेते हैं। ये वाला पूरी तरह चिकना इसे पीस ली हूँ। अब इसको छानने के लिए इसमें डाल दे रही हूँ। और ये हमारा शुगर सिरप भी तैयार हो गया है। इसको एक में मिला लेते हैं, फिर इसको छान लेंगे। इसको पूरी तरह छान लिए हैं। इस तरह से इसको पतला रखेंगे। इसमें थोड़े से सेंधा नमक डाल देते हैं और इसको मिला लेते हैं। फिर मैं इसको आपको सर्व करके बताती हूँ। इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दे रहे हैं। इसके बाद में फिर सर्व करके बताती हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसको सर्व कर देते हैं। इस तरह से देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। सेम फ्रूटी, सेम बाज़ार वाली फ्रूटी की तरह ही इसका कलर आया है, देखिए। और इसको ये होममेड फ्रूटी बहुत पौष्टिक होता है। बाज़ार वाले बहुत दिन से बना के रखे रहते हैं और ये तुरंत ताज़ा बना के आप पी सकते हैं। यदि मेरा फ्रूटी आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।